कटनी के एनकेजे थाना अंतर्गत मिट्टी का अवैध उत्खनन करते दो ट्रैक्टर और दो जेसीबी को एनकेजे पुलिस ने माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम के साथ पकड़ा और कार्यवाही की। दरअसल निजी भूमि पर अवैध तरीके से खेत से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक मौके पर पकड़े वाहनों पर माइनिंग विभाग के द्वारा भारी भरकम जुर्माना किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। बताया जा रहा है कि एनकेजे थाना अंतर्गत राघव रिजेंसी होटल के पीछे खेत से निकाली जा रही थी मिट्टी और ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। मौके पर मौजूद दो जेसीबी और 6 ट्रैक्टर को एनकेजे पुलिस द्वारा थाने में खड़ा कराया गया। आज दिनांक 14/4/23 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी जुर्मा बाईपास के पास राघव एजेंसी होटल है, इसके पीछे अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। सूचना मिलते ही श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय श्री अमजीत कुमार रंजन साहब को बताया गया, जिनके मार्गदर्शन पर घटना स्थल पर पहुंचे। वहां देखा तो 6 ट्रैक्टर दो जेसीबी के द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर तुरंत माइनिंग अधिकारी से संपर्क किया गया। माइनिंग अधिकारी श्री पवन कुशवाहा मौके पर उपस्थित आए, जिनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि वहाँ पर तिवारी राधेश्याम तिवारी के खेत से मिट्टी खोद कर अवैध खनन किया जा रहा है। मौके पर माइनिंग विभाग तथा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। समस्त कार्रवाई माइनिंग द्वारा की गई है तथा थाने में 6 ट्रैक्टर दो जेसीबी को सुरक्षा रखा गया। तुरंत पुलिस के द्वारा वहाँ पर दबिश दी गई। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई वाहन मौके खराब नहीं हुआ है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।